तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा जो है फीलिंग हो रहा है, किस तरीके से जो है मेरा कंपोनेंट यहाँ पे फीलिंग हो रहा है आप देख पा रहे हो। फीलिंग के लिए जो यहाँ पे मेरा 2.2 सेकंड का जो है फीलिंग टाइम लगा रहा है। मैं अगर कंपोनेंट का आपको घुमा देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सबसे लास्ट में जो मेरा फीलिंग हो रहा है ये वाला फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखने से आपको ये पता लग जाएगा जो मेरा कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, ये रेड एरिया है तो यहाँ पे मेरा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट जो है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं आइसोमेट्रिक में ले आता हूँ इसको, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंजेक्शन प्रेशर मेरा कितना लग रहा है, 32 MPa का मेरा यहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर लग रहा है। मैं आपको जैसे बताया था मेरा किस एरिया में जो है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देखोगे इस तरीके से जो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एवरेज टेम्परेचर वगैरह है टाइम टू इजेक्शन में, जहाँ पे इजेक्शन के टाइम होता है तो इस एरिया में ये जो मेरा कॉम्पोनेंट है, क्योंकि मेरा रनर थोड़ा सा मोटा है ऑब्वियसली मुझे देना ही पड़ेगा, हॉट रनर मोल का है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एरिया जो है इजेक्शन के टाइम पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रोजन लेयर टेम्परेचर वगैरह देखता हूँ, एयर ट्रैप वगैरह आप देख सकते हो, वेलेंस कहाँ पे ये भी देख सकते हो। अगर मैं प्लास्टिक की ओरिएंटेशन देखता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ओरिएंटेशन देख सकते हो किस डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, कैसे कैसे प्लास्टिक जो है इसकी डायरेक्शन को सेंस करेंगे, तो सारा ओरिएंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज का एक नया कंपोनेंट है, आज का जो कंपोनेंट है आप या कंपोनेंट आप देख पाओगे कुछ इसी प्रकार का एक कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट का जो मेड इन इंग्लैंड कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो हम मेटेरियल यूज कर रहे हैं आप देख पाओगे PC+ABS है, और यहाँ पे कुछ पार्ट नंबर वगैरह दे रखा है। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल मोल है, और यहाँ पे आप देख पाओगे लोगो जो है टोयोटा का लोगो है। ठीक है, तो आज का जो कंपोनेंट है हम टोयोटा की ऑटोमोबाइल पार्ट के ऊपर करने वाले हैं। तो ये कंपोनेंट जो है, इस कंपोनेंट की जो है मुझे आज मोल फ्लो एनालिसिस करना है। तो मोल फ्लो एनालिसिस करने से पहले जो भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के हम गेट पोजीशन देखते हैं, वो आप मोल फ्लो एनालिसिस ऑटोडेस्क में कर सकते हो। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। तो मैं यहाँ पे जो गेट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैं टैप गेट यूज कर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैं यहाँ पे टैप गेट यूज कर रखा हूँ, और जो मेरा टैप गेट है तो यहाँ पे देखोगे ये मेरा कोल स्लग है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हॉट रनर मोल यूज करने वाला हूँ, सिंगल नोजल हॉट रनर मोल यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो भी हॉट रनर मोल में यूज करूंगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोल्ड स्लग वगैरह जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी क्या कैलकुलेशन होता है, रनर की साइज कितना होना चाहिए, ओपनिंग कितना रखोगे, ठीक है, कोल्ड स्लग कितना होना चाहिए, इसके लिए जो है आपको मोल फ्लो में क्लासेस में मैं डिटेल में उसकी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी जो है गेट आपको बना के दिखाऊँ। ठीक है, जो भी मेरा इंजेक्शन मोल्डिंग के क्लासेस वगैरह होते हैं उसमें मैं गेट वगैरह की सारा कैलकुलेशन वगैरह दे रखा हूँ। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कोर्स देखना है, बेसिक देखना है, एडवांस देखना है, तो आप जाके मेंबरशिप में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप मोल फ्लो करते हो ना, तो सबसे पहले मोल फ्लो में क्या होती है, हम जो भी कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट की एनालिसिस करते हैं। जो ऑटोडेस्क यूज करते हैं ऑटोडेस्क में होता क्या, जो भी कंपोनेंट होती है ना कंपोनेंट के, पहले हम एनालिसिस करते हैं कि कंपोनेंट में ए सरफेस में कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बी सरफेस में कितना अंडरकश वगैरह है, शेलो एरिया क्या हो, शेडो एरिया क्या होता है, तो सारा चीजें हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो हम इसकी देखते हैं कंपोनेंट की कितना गेट सही है, गेट लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये भी आपको सॉफ्टवेयर ही एनालाइज करके देगा कि यहाँ पे गेट लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, कितना गेट होगा, एक गेट से फीलिंग होगा कि नहीं, क्या इशू आ सकती है, तो सारा चीजें हम पहले उसको एनालाइज करके देखेंगे। थर्ड चीजें जो होती है इसमें, जब मेरा ये हो जाएंगे इसके बाद हम इसकी फीलिंग देखेंगे, कूलिंग देखेंगे, इसमें कूलिंग क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस एरिया में प्रॉपर कूलिंग देना चाहिए, कहीं पे मान लो सिंग मार्क आ रही है तो कितना परसेंट, कितना एमएम जो है, कितना माइक्रोन जो है यहाँ पे सिंक हो रही है, तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं कहीं पे वेल लाइन बढ़ के आ रही है, कहीं पे फीलिंग की इशू आ रही है, कहीं पे पैकिंग इशू आ रही है, कहीं पे हम रनर को बैलेंसिंग करना है। तो एक एक चीजें जो है आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस पैरामीटर बनाऊंगा, किस तरीके से जो है प्रोसेस पैरामीटर बनाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गेट यूज कर रहा हूँ, इस लोकेशन पे गेट यूज कर रखा हूँ, अब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से तो गेट लोकेशन यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ये मुझे बताएंगे मोल फ्लो, कौन मोल फ्लो बताएंगे, ऑटोडेस्क की मुझे मोल फ्लो यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे गेट यूज करने का मेरा सबसे बड़ा जो रीजन है, मैं किस इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे पार्ट सीधा यहाँ पे गेट दूंगा तो इस एरिया सबसे पहले फीलिंग होंगे, राइट, उसके बाद आपके ये वाला एरिया फीलिंग होंगे, होते होते मेटेरियल ऐसे आपको घूम के इस एरिया में आने वाला है, तो सबसे लास्ट में ये वाला एरिया फीलिंग होने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे आपके किस तरीके से रिप्स टाइप के जो है एलिमेंट्स है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट फीलिंग होने का इशू है, होता है ऐसे प्रॉब्लम। तो इसको शॉर्ट फीलिंग को हम एलिमिनेट करने के लिए ये जो है मैं प्रोसेस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टैप गेट लगाऊंगा, और यहाँ पे टैप गेट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे हॉट रनर मोल के हिसाब से बनाऊंगा। यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा रनर है ये मेरा कोर्स लग है, बेसिकली यहाँ पे जो मेरा कोर्स लग है, और यहाँ पे मैं टैप गेट यूज कर रखा हूँ। टैप गेट के क्या कैलकुलेशन होता है आपको मैं क्लासेस में बता दूंगा, अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो इसकी पूरा कैलकुलेशन दे दूंगा मैं आपको।
तो यहाँ पे जैसे आप हॉट रनर मोल की जैसे सिंगल नोजल हॉट रनर मोल बनाऊंगा, तो सिंगल रनर हॉट रनर मोल पे आपको इस तरीके से आपको कोल्ड स्लैग वगैरह देना पड़ता है। और इसका जो रनर होता है, रनर का भी होता है जो डाया होता है, इसकी कैलकुलेशन होता है किस तरीके से हो गई, ये ओपनिंग कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, सारा कैलकुलेशन से होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ, अगर किसी को ऑटोमोबाइल फील्ड में जॉब करना है जिसका 5-6 साल एक्सपीरियंस है तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसके लिए कुछ फाइल्स दूंगा। अगर इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा फाइल्स है, अगर आप बना पाते हो, ठीक है, मैं कोई जॉब लगाने के कोई भी आपसे पैसा भी नहीं लूंगा, ना मैं इन फ्यूचर कभी लूंगा, ना मैं पहले लेता था। अगर आप बना पाते हो तो इस तरीके से मेरे पास कंपोनेंट है, तो अगर आप चाहते हो, जो मेरा पुराना स्टूडेंट है इसको भी बता रहा हूं मैं, अगर आपको चाहते हो किसी को जॉब की वैकेंसी वगैरह चाहिए या जॉब अपडेट वगैरह चाहिए तो मेरा ग्रुप है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। या किसी को अभी इस टाइम पे अर्जेंट वैकेंसी दो है मेरे पास ऑटोमोबाइल मोल के, मैं आपको कंपोनेंट भी पहले करवा लूंगा, किस तरीके से कंपोनेंट आपको इंटरव्यू में पूछने वाला है, और इंटरव्यू में मैं करा लूंगा। अगर मेरा जो कंपोनेंट मैं शेयर करूंगा, लेट्स से मैं आपको ये कंपोनेंट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, डबल मोल्डिंग हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है मेरा ब्रास का जो है इंसर्ट लगने वाला है, इंसर्ट मोल्डिंग है, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्पोनेंट, लेट्स से मेरा यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट है, तो इस कॉम्पोनेंट जो है, ये जो मेरा कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट की मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंट का नाम भी लिखा रखा, ठीक है, शेयर स्टीयरिंग कॉलम ओवर असेंबली है, तो इसकी जो है आपको मैं मोल डिजाइन करने दूंगा, आपको मैं बेसिक कुछ नहीं दूंगा, इसके लिप्टर असेंबली बना दूंगा और इसकी पार्टिंग लाइन बना दूंगा, इस तरीके से मैं आपको दो कंपोनेंट दूंगा। अगर आप बना लेते हो तो मैं आपको 100% इंटरव्यू के लिए भेज दूंगा, और ये तो आपके ऊपर है कि इंटरव्यू आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं, लेकिन मैं 101% आपको इंटरव्यू के लिए भेज दूंगा, उसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। और ऐसा छोटा मोटा कंपनी में भी नहीं भेजूंगा, रेपुटेड कंपनी में भेजूंगा जिसका ऑलरेडी नाम है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपकी पार्ट एनालिसिस करते हो, इस एनालिसिस में आपको सबसे पहले जब भी ऑटोडेस्क में मोल फ्लो करते हो तो आपको ये देखना होता है, सबसे पहले हम एनालिसिस विजार्ड में जाएंगे। विजार्ड पे जाने के बाद आपकी यहाँ पे डिजाइन एडवाइजर देखेंगे। डिजाइन एडवाइजर में होता क्या है, जो भी आप कॉम्पोनेंट देखते हो वो कॉम्पोनेंट डिजाइन जो एनालिसिस है वो मोल्डिंग के लिए रेडी है कि नहीं है, कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है, तो सारा चीजें हम देख सकते हैं। दूसरे में आपको ये देखना है, मेरा जो कंपोनेंट है इसकी बेस गेट लोकेशन कहाँ पे है, मेरा जो कंपोनेंट है इसकी लोकेशन में कितना दूंगा, कितना गेट्स दूंगा, 2 दूंगा 3 दूंगा 1 दूंगा, कहाँ पे देना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये आपको लोकेशन दे देंगे कि उस लोकेशन से यहाँ पे कॉम्पोनेंट जो है प्रॉपर तरीके से फिलिंग हो जाएंगे। तो ये दो एनालिसिस जो होती है उसके लिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है गेट ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे गेट लोकेशन की एनालिसिस नहीं करूंगा, पार्ट एडवाइजर की एनालिसिस में नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पार्ट जो है अप्रूव्ड है, ठीक है। तो दूसरा चीज है, यहाँ पे जो भी होंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पार्ट होगा यहाँ पे पार्ट के साथ होगा, सिंगल कैविटी है, मल्टी कैविटी है, मैं यहाँ पे पार्ट ओनली रखूंगा, ठीक है। आपकी ज्योमेट्री जो है क्या होना चाहिए, कहीं पे मूव करना चाहिए और रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। थर्ड जो होंगे, मैं यहाँ पे मेटल सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट मेटल, ठीक है। तो सिलेक्ट मेटल करने से पहले आपको यहाँ पूछते हैं कि किस टाइप में आप एनालिसिस करना चाहते हो। डिजाइन एडवाइजर बता दिया मैंने, गेट लोकेशन दे रखे, मोल्डिंग विंडो, फिलिंग क्या करना है, आपकी क्वालिटी देखना है, कूलिंग क्वालिटी देखना है, सिंक मार्क का देखना है, रनर एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रनर एडवाइजर देखना चाहते हो तो रनर देख सकते हो, रनर बैलेंसिंग करना है तो इसका भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, कूलिंग का देखना है, फिलिंग पैकिंग का देखना है, वर्कपेस का देखना है, सारा चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले जो जाऊंगा यहाँ पे, जो मेरा है इंजेक्टर लोकेशन पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इंजेक्टर लोकेशन पे मेरा किस एरिया में लोकेशन होने वाला, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टैप गेट है, वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, यहाँ से स्किप कर दोगे ना तो बहुत कुछ चीजें आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके इसकी सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली मैं सेंटर पे यहाँ पे मैं इसकी गेट को लोकेशन को दे दूंगा, यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा जो कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे मैंने गेट लोकेशन दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक गेट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इसके लिए आप डायरेक्ट जाके जो भी उसकी विंडो है वहां से आप कर सकते हो। तो उसके बाद जाऊंगा मैं जैसे एनालिसिस सेटिंग ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा अलग अलग टाइप का ओपन होके आता है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या देखूंगा, मैं यहाँ पे फिलिंग देखूंगा, फिलिंग का करूंगा एनालिसिस, कूलिंग का करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंगमार्क का करता हूँ। तो ये तीन एनालिसिस जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट आता हूं मैं मेटेरियल सिलेक्शन के ऊपर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई भी मेटेरियल लेते हो ना तो आपको ये प्रॉपर तरीके से एनालिसिस वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेटेरियल एनालिसिस जो है, जो मुझे पार्टी की तरफ से मुझे एनालिसिस वगैरह मिला है, मैं इसकी आपको एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी मेरा मेटेरियल यूज करने वाला हो, तो इस मेटेरियल की जो है मेरे पास जो है
जिस कंपनी के लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ग्रेफिकल का सारा डिटेल मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है अगर आपको यहाँ पे ऐड कैसे करना है इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अगर आप स्किप करोगे ना या आप वीडियो को नहीं देखोगे बहुत कुछ चीजें आपको जो है रहने वाला है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, गुड प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज है, बढ़िया है, एक्सीलेंस स्टिफनेस स्टिफ होने वाला है, इम्पैक्ट बैलेंस होने वाला है। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट में होना चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ है, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमोबाइल एक्सटीरियर पार्ट, देख पा रहे हो ऑटोमोबाइल एक्सटीरियर पार्ट। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट देख पाओगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, ISO R527 जो फॉलो करता है, कितने MPa का है, SI यूनिट कौन सा हो रखा है, तो सारा दे रखा है। डेंसिटी कितना, देखो यहाँ पे देखोगे ना टेम्परेचर डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी कितना है, तो यहाँ पे सब डिटेल दे रखा है भाई। एस कंटेंट क्या है, देखो होल्डिंग क्या है, श्रिंकेज भी दे रखा है भाई, कितना श्रिंकेज तक होना चाहिए, तो सारा जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी मोल फ्लो करते हो सारा आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इस स्टैंडर्ड को कैसे आप मोल फ्लो के अंदर डालोगे वो चीज भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ चीजें आपको समझने आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सिलेक्ट मेटेरियल पे। ठीक है, तो सिलेक्ट मेटेरियल के जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप मेटेरियल यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे कस्टोमाइज में जाऊंगा। ठीक है, कस्टोमाइज के जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेंगे, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह में ऐड करके रखा हूँ मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी क्लासेस वगैरह लेंगे मैं इसकी पूरा सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा आपको, लाइब्रेरी वगैरह मैं डाल के दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख पा रहा हूँ कौन सा मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड नाम क्या है, फैमिली अब्रिविएशन क्या है, तो सारा डिटेल मिलेंगे। देखो कितना टाइप का मटेरियल है, आप ढूंढ के ना परेशान हो जाओगे। अगर यहाँ पे इतना आपको लाइब्रेरी दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ना कितना आपको सारा चीजें मिल रहा है, देख पा रहे हो 12,493 मतलब 12,493 यहाँ पे सप्लायर है। तो आपको लाइब्रेरी में इसकी सारा सप्लायर मिल जाएंगे, कोई ऐसा सप्लायर नहीं है जहाँ से आप लाइब्रेरी में ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि मेरा कंपोनेंट क्या है, पीसी प्लस एबीएस है, तो मैं यहाँ पे सीधा देखूंगा भाई मेरे पास पीसी प्लस एबीएस वाला कौन सा है और कौन सा सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं सीधा यहाँ पे देखूंगा, जैसे मेरा यहाँ पे सप्लायर कौन सा है, सेबिक इनोवेशन प्लास्टिक यूएस लिमिटेड, तो यहाँ से मैं इसका भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा इसको ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस, इसको मैं ओके कर सकता हूँ। तो आपको ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे सेविक का आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तो इस तरीके से आपको इम्प्रूव कर सकते हो, ट्रेड नाम जो है क्या ट्रेड नाम आएंगे, देखो मैंने किस तरीके से लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको कस्टमाइज बनाना है, ठीक है, आपको अपना कस्टमाइज लाइब्रेरी बनाना है वो भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कस्टमाइज में यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके अगर आपको खुद का लाइब्रेरी बनाना है या खुद का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी दिखाया, ठीक है, जो मैंने आपको यह पीपीटी दिखाया इसके हिसाब से आपको वैल्यूज वगैरह पुट करना है। अगर मान लो कोई लोकल पार्टी है जिसके पास वो चीजें नहीं है, तो यहाँ से भी मैं उसको ला सकता हूँ। तो कैसे ले पाऊंगा, यहाँ पे इम्पोर्ट में जाके सीधा इसको आप इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेट होना सही, उस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, तो यहाँ से सीधा इस फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा चीज है, ठीक है, तो मैंने मेटेरियल यहाँ पे ले लिया, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा चीजें देखना है। और यहाँ पे देखो एनर्जी यूजेस इंडिकेटर कितना है, और जो यहाँ पे रिसाइकल कोड है यह भी यहाँ पे आपका शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे मेटेरियल ले लिया, तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, तो एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोसेस सेटिंग पे जाऊंगा। तो प्रोसेस सेटिंग के जाने के बाद जैसे आपके पास ये था, तो यहाँ पे इतना आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पे प्रोसेस पैरामीटर पे। तो यहाँ पे देखो मेल टेम्परेचर कितना लेना है, ठीक है, रियर सेंटर फ्रंट में कितना लेना है, बैरल जो टेम्परेचर जो बैरल का होता है ना, जो बैरल यूज करते हैं, एक होता है हम प्लांजर यूज करते हैं, एक हम बैरल यूज करते हैं, तो बैरल में आगे कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, सेंटर में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, फ्रंट में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो ये जो है ऑप्टिमम है, ये रेंज इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से भी वो वैल्यू आप पुश कर सकते हो। ठीक है, तो मोल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट कितना होना चाहिए, इंजेक्शन स्पीड कितना होना चाहिए, प्री डाई रिक्वायरमेंट मेटेरियल में क्या होना चाहिए, हम प्री डाई भी करते हैं मेटेरियल पे। ठीक है, तो वो सारा चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं 90 का यूज करूंगा, और जो यहाँ पे मेरा मेल टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे मैं 280 का लूंगा। ठीक है, मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर मेरा क्या है 180, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे फेरोसिटी पर प्रेशर स्विच ओवर होते जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक रखूंगा। ठीक है, इंजेक्शन टाइम जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक रखूंगा, जो मशीन क्लैम ओपन टाइम है वो मैं 5 सेकंड का रखूंगा, बेसिकली 5-4 सेकंड का हम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रोसेस सेटिंग में। प्रोसेस सेटिंग मेरा हो गया, मेटेरियल मेरा हो गया, तो यहाँ के बाद जो है मैं यहाँ पे एक्यूरेसी में जाऊंगा और यहाँ पे हाईएस्ट में रखूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे गया, सिलेक्ट मेटेरियल करा, इंजेक्शन लोकेशन दिया, प्रोसेस पैरामीटर दिखा, बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे नहीं करना है आपको। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, आपको गेट देना होता है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं इसमें शेयर करनी नहीं करूंगा।
फिर इसके बाद आपको प्री एनालिसिस में जाना है, योर मॉडल इज रेडी फॉर एनालिसिस। तो मेरा जो मॉडल है रेडी फॉर एनालिसिस है, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो इसमें जाके आप इसकी एक प्रीव्यू देख सकते हो, मतलब किस तरीके से फीलिंग होंगे, किस एरिया में प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट फीलिंग होंगे, तो आप जो है पहले ही प्रीव्यू में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेसिंग का यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉलिड मेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हेक्साडेसिमल में यहाँ पे मेसिंग यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट एनालिसिस कर देंगे। स्टार्ट एनालिसिस करने से पहले आपको सारा चीजें रेडी होना चाहिए, और सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑटोडेस्क जो है यहाँ पे क्या करेंगे, मेसिंग करेंगे, जो भी कॉम्पोनेंट है ना इसको मेसिंग करेंगे। मेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको होने देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिखाएंगे, टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपको एनालिसिस दिखाने लग जाएंगे। देखो एनालिसिस यहाँ पे रनिंग हो रहा है, अगर इसको देखना है कि आपको एनालिसिस रनिंग हो रहा है, कितना पार्सिंग रनिंग हो रहा है, क्या अपडेट है, इसको देखने के लिए देखो यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे जॉब मैनेजर पे जाके आपका ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन कर देगा। ये गेट कनेक्शन ऑन होना सही है, तो आप जाके यहाँ पे देखो कितना हो रखा है, 10% हो रहा है, तो ऑलरेडी इतना सारा मैं एनालिसिस कर रखा हूँ अलग अलग कॉम्पोनेंट की। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जाके बहुत सारा चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको होने में टाइम लगेंगे, अभी जो है 10% हुआ है, तो पहले इसको होने देते हैं। मैंने आपको बताया मेटल कैसे डिसाइड करना है, इसकी प्रोसेस पैरामीटर कैसे सेट करना है, कितना टाइप का एनालिसिस होता है। अभी जो है हम इसमें तीन एनालिसिस कर रहे हैं, तीन एनालिसिस क्या कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट अभी आएंगे नहीं, जॉब एनालिसिस में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको जो है इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे देखोगे आप, जो भी एनालिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें जाके आप देख सकते हो। तो अभी जो हम क्या कर रहे हैं, फिलिंग का देख रहे हैं, कूलिंग क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ना, नीचे देखो, नीचे दिख कर रहे कूलिंग क्वालिटी प्लस फिल प्लस सिंग मार्क, तो ये हम तीन टाइप का एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले होने देते हैं, वीडियो को टाइम लगेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा 26% फिलिंग हो रहा है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन फिलिंग होंगे, उसके बाद जो है यहाँ वाले पोर्शन फिलिंग होंगे, फिर आते आते आपका ये वाला पोर्शन फिलिंग होंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे 31% फिलिंग अभी तक हुआ है। तो वीडियो को पूरा होने देते हैं, पूरा एनालिसिस होने देते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको सारा रिजल्ट वगैरह शो करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है 2:09 हो चुका है, तो ये जो एनालिसिस है लगभग 1 घंटा चलने वाला है, तो 3 बज जाएंगे, सुबह मेरे को ड्यूटी भी जाना होता है, तो लगभग 3 बजे तक मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो रेस्पॉन्स सही आना चाहिए, लाइक वगैरह आना चाहिए, तभी जो है और वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं लगभग 3 बज गया, अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, दूसरा काम भी है। ठीक है, तो इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे 3 बजे तक, तो मैं इसको जो है पॉज कर देता हूँ अभी के लिए। आपका जो है अभी एनालिसिस खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। तो देख पाओगे यहाँ पे फीलिंग जो जनरल जो आपकी प्रोसेस आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मेल टेम्परेचर था, कितना इंजेक्शन लोकेशन कितना था, मोल टेम्परेचर क्या था, मेल टेम्परेचर क्या था, तो सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। फीलिंग का भी जितना भी पैरामीटर है आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में। कूलिंग क्वालिटी के बारे में आप देख सकते हो, कितना आपको कूलिंग टेम्परेचर सही, मैक्सिमम टेम्परेचर वेरियंस क्या है, अब उसके बारे में बताऊंगा आगे आपको, कहाँ कहाँ सिंग मार्क आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट एडवाइजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी पूरी मोल की कॉस्टिंग निकाल सकते हो। अगर मान लो आपके 2 लाख शॉट निकालना है, मोल की प्राइस क्या आएंगे, पर शॉट की क्या प्राइस आएंगे, तो सारा चीज़ें यहाँ पे जो है कॉस्ट एडवाइजर पे आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जाते हैं फील पे। ठीक है, तो फीलिंग देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे फीलिंग जो है किस तरीके से मिलेंगे आपको, रिजल्ट पे मिलने के बाद यहाँ पे जाके आप एनालिसिस कर सकते हो। तो फीलिंग जो है आपका 1.6 सेकंड का बन के आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से ये फीलिंग हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो इस एरिया में जो है सबसे लास्ट में हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप वगैरह होंगे। ठीक है, तो इस एरिया में वो होने वाला है। तो दूसरे में देखते हैं हम इसकी प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो वगैरह आपका ठीक है कोई या नहीं, यहाँ पे भी देख सकते हो प्लास्टिक फ्लो वगैरह किस तरीके से फ्लो हो रही है, देख पा रहे हो आप, तो ये किस तरीके से फ्लो हो रही है, फ्लो जो इसकी बिहेवियर है उसके बारे में देख सकते हो। कॉन्फिडेंस ऑफ फील ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको जब भी पीपीटी बनाते हो आपको देखना होगा, कॉन्फिडेंस ऑफ फील्स में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सब सारा चीज़ है, हाई कॉन्फिडेंस है तो फीलिंग तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फीलिंग में। क्वालिटी प्रिडिक्शन, ठीक है, तो हम क्वालिटी प्रिडिक्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो किस तरीके से क्वालिटी प्रिडिक्शन है। यहाँ पे जो है रेड है, क्योंकि यहाँ पे मेटल प्रोसेस ज़्यादा है, यहाँ पर रेड है। इंजेक्शन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 MPa का यहाँ पे, अराउंड 35 MPa का यहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर लगने वाला है, यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे। प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे देखो, ये जो रेड एरिया है ना, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है,
यहाँ पे जो रेड एरिया है यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ से आराम से प्रेशर होंगे, यहाँ पे जैसे पार्ट को फिल करने जाएंगे तो इस एरिया में जो है प्रेशर ड्रॉप होंगे, जो रेड वाले एरिया होता है ना, तो यहाँ पे आपको क्या होने वाला है, प्रेशर ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, एक बार आप इस तरीके से जो है जो रेड एरिया है हाईलाइटेड है, टेम्परेचर एट द फ्रंट, ठीक है, तो फ्रंट पे टेम्परेचर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 80 में कितना हो रखा है। ओरिएंटेशन ऑफ स्किन, स्किन ओरिएंटेशन, ये देखो किस तरीके से जो है प्लास्टिक फ्लो हो रही है, जो प्लास्टिक की फ्लो ओरिएंटेशन है ना वो आप देख सकते हो इस तरीके से, किस तरीके से फ्लो हो रही है। तो इधर से पहले ऐसे जाएंगे प्लास्टिक, जो देखो किस तरीके से फ्लो हो रही है, होने के बाद आप जो है ये लोकेशन में जा रहा है, लास्ट में जो है ये ऐसे घूम के ये वाले एरिया में आएंगे। ठीक है, जो रिम्स वाली एरिया है सबसे लास्ट में फिलिंग होने वाला है, तो रिम्स वाली जो एरिया है ना सबसे लास्ट में ये फिलिंग होने वाला है। एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। टाइम टू रेस्ट एट इजेक्शन टेम्परेचर, देखो ये वाला एरिया जो है, क्योंकि ये हाईएस्ट जो है यहाँ पे गेट दे रखा हूँ मैं, नोजल रनर जो है तो यहाँ पे क्या है मोटा है, तो यहाँ पे कूलिंग के लिए वो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर भी थोड़ा तेरा भी हो जाए तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो कॉम्पोनेंट है ये मेरा कॉम्पोनेंट है। फ्रोजन लेयर परसेंटेज, ठीक है, एयर ट्रैप इंपॉर्टेंट है, जहां जहां आपको एयर ट्रैप मिलती है, जैसे इस एरिया में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे एयर ट्रैप मिल रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से एयर के लिए वेंटिंग देना पड़ेगा, एयर वेंटिंग आपको देना पड़ेगा बढ़िया से। वेल लाइंड, किस किस एरिया में आपकी वेल लाइन बनने वाला है, तो आप देख पा रहे हो किस किस एरिया में आपकी वेल लाइन वगैरह बनने वाला है, यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो मेजर वैसा वो नहीं है वेल लाइन के लिए। ग्रो फ्रॉम, ठीक है, ये भी इतना वो नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, वार्ड है। उसके बाद आते हैं हम सिंग मार्क में, ठीक है, सिंग मार्क एस्टिमेटेड देखते हैं, तो कहाँ कहाँ यहाँ पे सिंग मार्क आ सकता है, तो आप देखोगे इसमें सिंग मार्क आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा काट के फेंकने वाला हूँ मैं, इस एरिया में हल्का सा सिंग मार्क आने वाला है। ठीक है, ये जो एरिया है हल्का हल्का जो यहाँ पे एरिया में सिंग मार्क आने वाला है, तो ये तो माइन्यूट है, आपकी ब्लू में है, रेड नहीं होना से कहीं पे, अगर रेड है जैसे यहाँ पे रेड है, ठीक है, इस एरिया में रेड है, ये आपके मेजर इशू है, लेकिन ये मेरा क्या है रनर है, तो इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, तो सिंग मार्क जो है ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो आप जो है यहाँ पे एग्जामिन में जा सकते हो, जाने के बाद जहाँ पे भी देखना, जैसे यहाँ पे क्या है नो सिंग मार्क, इसमें क्लिक करके देखूंगा तो देखोगे कितना है 10 माइक्रोन का जो है यहाँ पे सिंग हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, जैसे मेरा ये वाला एरिया देखो यहाँ पे 30 माइक्रोन का है, तो जैसे जैसे आपको कलर सेंड टूट जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा, जैसे रेड वाला एरिया है इसमें क्लिक करूंगा जो देखो यहाँ पे 60 माइक्रोन का है, तो यहाँ पे हम सिंग मार्क वगैरह भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंग मार्क शेडेड में देखूंगा तो यहाँ पे मैं सिंग मार्क शेडेड में भी देख सकते हो किस तरीके से है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो यहाँ पे तो मुझे ओके लग रहा है, कोई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कूलिंग के ऊपर, तो कूलिंग पे हम जाते हैं, कूलिंग जो वेरिएंस है तो देखो किस तरीके से कूलिंग वेरिएंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कूलिंग पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर यहाँ पे जो है कूलिंग देना पड़ेगा, तो आपको कूलिंग चैनल में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है प्रॉपर कूलिंग हो, क्योंकि ये जो पार्ट सबसे लास्ट में फिलिंग होने वाला है, तो आपको कूलिंग किस किस जगह में देना है ये आपको पता लगेगा कूलिंग टाइम वेरियंस में। ठीक है, तो देखोगे आप कूलिंग टाइम वेरियंस जो है सबसे ज्यादा कौन सा लगेगा यहाँ पे, ये जो है कूलिंग क्वालिटी, कूलिंग क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप जो है कूलिंग चैनल डिजाइन करोगे, इस एरिया में प्रॉपर कूलिंग होना चाहिए, इस एरिया में आपको प्रॉपर कूलिंग होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी कोर है कोर में भी तो आपको बहुत अच्छा कूलिंग देना पड़ेगा, इधर भी हम स्ट्रेट कूलिंग भी देंगे चलेंगे, लेकिन इस एरिया में आप जो है कूलिंग के लिए जैसे आप अलग अलग सा जो है आप चैनल लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसमें जो है मैं अलग अलग टाइप का जैसे एंगल होम कूलिंग वगैरह भी मैं डाल सकते हो, अगर इसके लिए स्पेस है तो आपको देखने का स्पेस के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे हॉट रनर का नोजल आना वाला है। ठीक है, नोजल आएगा तो इस एरिया में आपको कूलिंग लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे हम स्ट्रेट कूलिंग मैं प्रीफर करूंगा, इस एरिया में आपको कूलिंग जो है प्रीफर होना चाहिए। ठीक है, आपको कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम जो ये एरिया है यहाँ पे वाफेल टाइप का कूलिंग का यूज करो, तो ये सही होगा आपके लिए, प्रॉपर कूलिंग की यहाँ पे जरूरत है इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में आपको प्रॉपर जो रेड वाला एरिया है वो प्रॉपर कूलिंग का आपको जरूरत है। तो ये था बेसिकली आपकी कंप्लीट एनालिसिस, अगर कहीं पे आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर इसके बाद आपको कोई दूसरा एनालिसिस करना है तो यहाँ पे जाके फिर उसकी जो है सेकंड पार्ट का एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हो, इसके लिए यहाँ से भी आप जाके डुप्लीकेट बना के आपको काम करना पड़ेगा। तो पूरा मोल की यहाँ पे जो है क्या प्रोसेस होता है कैसे करना है मैंने आपको वीडियो रख दिया है। अब जो है सुबह का 3:15 हो चुका है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि सारा चीजें मैं आपको वीडियो में समझाऊं,
कैसे भी हो थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आ गए। जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए मेरा नंबर नीचे मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग वगैरह देते रहता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।